हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अल्पाना नीस किचन। पाव किलो शिमला मिर्च ली हूँ, 3 मीडियम साइज ऑनियन कट करके रख ली हूँ रफली। तेली फली अच्छे से भून करके एक कटोरी में निकाल ली हूँ और इमली भिगा ली हूँ मैं। तिली और फली को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस ले। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून फली ली हूँ और 3 टीस्पून तिल ली हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। साथ ही में यहाँ पर मैं प्याज डाल रही हूँ, प्याज को भी अच्छे से मिक्स कर ले। फिर कढ़ाई में तेल डालकर उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाले, साथ ही में शिमला मिर्च डाले। वैसे तो साबित ही डाले, मैं यहाँ पर थोड़े से ऐसे ही कट करी हूँ। और हल्दी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से इसे भून ले। मसाले आइटम्स में नमक मिर्ची थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि हम मसाला डालते हैं ना तिली फली का, इसीलिए। लाल मिर्च 2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, अब सभी मसालों को अच्छे से एक बार भून लें। पिसा हुआ मसाला फली और तिली प्याज का, इसे भी डाल के अच्छे से भून लें। मैं जो इमली भिगाई थी उसका रस निकाल कर इसमें ऐड कर दूंगी साथ ही में, और अच्छे से मिला लूंगी। सभी मसालों को अच्छे से मिला ले। मिला के एक 10 मिनट के लिए इसका कढ़ाई का ढक्कन लगा के छोड़ दे, अच्छे से पकने दे सभी मसालों को। 10 मिनट हो गए हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मसाला पका कि नहीं। और थोड़ा एक 5 मिनट्स रख के फिर गर्म मसाला डाल के मैं गैस ऑफ कर दूंगी। देखिए कितनी अच्छे से बन गया है, बन के अपनी करी रेडी है। आप बघारे चावल के साथ या फिर पूरी रोटी के साथ खा सकते हो। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड शेयर, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।